सो ये गाइस वेलकम बैक टू रॉक गेम। सो गाइस हमारे गेम में OV34 अपडेट के बाद कुछ कैरेक्टर की एबिलिटी को चेंज कर दिया गया है, और कुछ ही नहीं गाइस बहुत सारे कैरेक्टर की एबिलिटी को चेंज कर दिया गया है। तो गाइस मैं इस वीडियो में आपको कुछ कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में बता रहा हूं जिनको गरीना फ्री फायर ने एक्चुअली चेंज कर दिया एंड क्या क्या अलग हो गया। और गाइस एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ, इस बार हमारे गेम में जो OV34 अपडेट आ रहा है उसके बाद हमारा गेम का नजरिया पूरा चेंज हो जाएगा। एंड इस अपडेट को आप बहुत बड़ा अपडेट मान सकते हो एंड इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ हमारी ऐड की जा रही है। अगर आप एंड अपडेट को जानना चाहते हो तो गाइस इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं और भी वीडियोस इसी रिलेटेड डालने वाला हूं। तो गाइस बिल्कुल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेना। तो गाइस अभी बात करते हैं हमारे कैरेक्टर की एबिलिटी में क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो गाइस मैं लाइन बाय लाइन कुछ कैरेक्टर की एबिलिटीज आपको बताते जाता हूं, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं वॉल्फ्रा कैरेक्टर की। तो इस वॉल्फ्रा कैरेक्टर की एबिलिटी कुछ इस प्रकार थी कि पहले जब हम किसी को हेडशॉट डैमेज मारते थे तो गाइस वो 10% लगता था, बट लेकिन अब वो न्यू हो गया है तो गाइस उसमें डैमेज इंक्रीमेंटल हो गया, हेडशॉट इंक्रीज बाय 10% से 30% मैक्स हो चुका है। तो इसे जब भी आप अगर किसी को अगर डैमेज मारोगे वर्ल्ड पैकेट से तो गाइस वो 30% ज्यादा एक्स्ट्रा लगेगा। यानी गाइस बात करते हैं अपना सेकंड कैरेक्टर के बारे में। तो ये हमारा सेकंड कैरेक्टर होने वाला है डिमिट्री। तो गाइस आपको पता है जैसे कि डिमिट्री की एबिलिटी में क्या चेंजेस किया गया है। तो गाइस डिमिट्री कैन की एबिलिटी कुछ इस प्रकार है, एडजस्ट व्हेन वी सेल्फ रिकवरी प्लेयर कैन वी मूव एंड अनदर लॉगर एंड एचपी लॉस एचपी। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब पहले हम क्या होता था, जब भी उसका एबिलिटी जलता था तो हम उस एबिलिटी में अगर हम रिवाइव होते थे, अगर रिवाइव होते थे तो हमको ओनली खड़ा होना पड़ता था। अगर हम मूवमेंट करेंगे जॉयस्टिक से तो हम रिवाइव नहीं होंगे, बट अब वो जॉयस्टिक से मूवमेंट भी कर सकते हो और आप रिवाइव भी हो जाओगे और उसके अंदर आपका एचपी भी नहीं जाएगा। अगर आप उसके गोले के अंदर रहते हो तो आपका एचपी नहीं जाएगा, ठीक है गाइस, अगर उसका एबिलिटी जल रहा है। एंड यहाँ पे थर्ड नंबर पे आता है अपना डीबी कैरेक्टर। तो गाइस डीबी कैरेक्टर के अंदर भी एक चेंजेस किया गया है और इसकी एबिलिटी गरीना बार बार बढ़ा रहा है, पहले भी बढ़ाया था अब भी फिर बढ़ा दिया। तो इस डीबी की जो मूवमेंट स्पीड है, अभी अगर आप किसी मतलब फायर गन को मतलब आप जैसे गन से फायर करते जाते हो और मूव करते हो तो गाइस आपकी मूवमेंट स्पीड 15% हो जाती है, बट अब उसको हटा के 20% कर देते हो, गाइस उसकी एबिलिटी को बढ़ा दिया गया। अगर आप मूव करते हो, मूव मतलब गन चलाते हुए मूव करते हो तो आपकी 20% बढ़ जाएगी। एंड यहाँ पे आलोक में भी चेंजेस किया गया है। तो गाइस आलोक में इतना बड़ा चेंज नहीं है, बट हमारा फोन नंबर पे आता है आलोक। तो गाइस आलोक में कोई इतना बड़ा आपको चेंज नहीं है। तो आलोक का कूल डाउन टाइम एंड 45 सेकंड था तो उसको 50 सेकंड कर दिया गया, मतलब उसको 50 सेकंड कर दिया। एंड गाइस इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर अभी तक आपने यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो यार, 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं होगा आपका। तो गाइस यहाँ पे 6 नंबर पे आता है अपना स्टेफी कैरेक्टर। तो गाइस स्टेफी कैरेक्टर का भी कुछ बहुत अच्छा एबिलिटी कर दिया गया है एंड उसमें चेंजेस किए गए हैं। तो गाइस स्टेफी कैरेक्टर का एबिलिटी कुछ इस प्रकार है कि पहले उसका कूल डाउन टाइम था 90 सेकंड, यानी कि 90 सेकंड में चार्ज होता था, बट उसको कर दिया है माइनस करके 60 सेकंड, यानी कि 60 सेकंड। तो बस हमारा कूल डाउन टाइम अब 6 सेकंड हो गया है। एंड गाइज अपना 7 नंबर पे आ जाता है, एंड 7 नंबर ही ना तो नहीं 6 नंबर। तो गाइज अपना 6 नंबर पे आ जाता है क्रोनो कैरेक्टर। तो गाइज क्रोनो कैरेक्टर में भी एक छोटा सा चेंजेस किया गया है, कोई ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है। तो एक क्रोनो कैरेक्टर का जो कूल डाउन टाइम था पहले 120 सेकंड था, बट उसको भी माइनस करके अभी ने 110 सेकंड कर दिया है। तो गाइज कोई ज्यादा बड़ा चेंजेस नहीं आया एंड मुझे लगा क्रोनो में चेंज आने वाला है, क्रोनो पहले जैसा होने वाला है, बट उन्होंने क्रोनो को खराब कर दिया। एंड यहाँ पे अपना नेक्स्ट आता है तो कहीं यहाँ पे एक्सन जिसको आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे वाला दिख रहा है एंड इसमें अपडेट आ चुका है। तो इसका कुछ ऐसा है कि पहले हमको जो एचपी जब हम इसकी एबिलिटी को यूज़ करते थे तो कहीं हमको पहले 80 HP ज़्यादा देखने के लिए मिलता था, बट अब 120 HP हमको ज़्यादा मिलेगा। एंड इंक्रीज डैमेज टू ग्लू वॉल। तो कहीं हम पहले जब ग्लू वॉल को डैमेज करते थे स्कैटर को लगा के तो 130% डैमेज ज़्यादा जाता था, बट अब 200% ज़्यादा जाएगा। एंड इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यहाँ पे पहले इस कैरेक्टर की एबिलिटी 15 सेकंड तक काम करती थी, बट अब 6 सेकंड ही काम करेगी। गाइस देख सकते हो मतलब बहुत बड़ा यार, 15 से डायरेक्ट 6 सेकंड कर देगा गरीना वाकफा। एंड गाइस यहाँ पे आ चुका है एंड वुकोंग में अपडेट। तो गाइस वुकोंग का अपडेट कुछ इस प्रकार है, मूवमेंट स्पीड रिडक्शन बाय 20%। जब भी आप मतलब घास बन जाते हो, घास बनने के बाद पहले आपका मूवमेंट 20% होता था, बस उसको माइनस करके 10% कर दिया है। भाई अब ये मुझे नहीं पता गरीना ने क्यों किया है, बट इसको कर दिया। तो गाइस अभी भी हमारे कुछ कैरेक्टर बचे हुए हैं, तो गाइस वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, तो गाइस इसके लिए मुझे माफ करना। तो गाइस अभी 5 कैरेक्टर और अपने हुए, तो इसमें से मैं आपको स्कालर के बारे में भी और बता दूं कि स्कालर सबका फेवरेट था। तो गाइस गरीना ने ना स्कालर में बहुत बड़ा चेंज कर दिया है, तो गाइस मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं आया, इतना बड़ा भी नहीं बट चेंज कर दिया। तो यहां पे स्कालर का चेंज कर दिया, कूल डाउन टाइम पहले 40 सेकंड था, बस उसको 20 सेकंड बढ़ा दिया गया, मतलब उसको पूरा 60 सेकंड कर दिया गया। तो गाइस मुझे थोड़ा सा अपडेट अच्छा नहीं लगा, बट चलो ठीक है। तो गाइस अभी आप लोगों को अगर ऐसी इंटरेस्टिंग और वीडियो देखना है तो भाई हमारे को मैं वीडियो को मुझे कमेंट कर दो, तो गाइस मैं और भी इससे जितने भी कैरेक्टर अभी बचे हुए उनके बारे में बता दूंगा। एंड जो लेवल आपका
ऑप्शन एंड आर आई एंड हम अपनी बेस्ट को अपडेट वगैरह कैसे करना है उसके ऊपर भी वीडियो चाहते हो तो मैं पूरा वीडियो बना दूंगा, मुझे कमेंट कर दो गाइस।